जो टिप्पणी मैं देने वाला हूं रामानुज दासा श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय दो, सांख्य योग, श्लोक 16। नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टः अन्तस्त्वनयोः तत्वदर्शिभिः। ओम। अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हम सभी को सिखा रहे हैं, और हर बार जब वे अर्जुन कहते हैं तो हमें यह महसूस करना चाहिए कि वे हमें व्यक्तिगत रूप से बुला रहे हैं। हमें श्री कृष्ण के उपदेशों को ध्यान से सुनना चाहिए। कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन तुम आत्मा हो और आत्मा कभी नहीं बदलते, लेकिन जिस शरीर में तुम निवास कर रहे हो वह लगातार बदल रहा है और एक दिन अस्तित्वहीन हो जाएगा। अर्जुन, तुम कितना भी प्रयास कर लो, इस शरीर में होने वाले परिवर्तनों को रोकने में असमर्थ होगे। तुम शरीर को नष्ट होने से रोक भी नहीं सकते। क्या तुम आत्मा के लिए कुछ कर सकते हो? नहीं, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, आत्मा को नष्ट करने में असमर्थ होगे। अर्जुन, यह आत्मा और शरीर की प्रकृति है। आत्मा स्थायी है और शरीर अस्थायी है। ये दोनों बातें याद रखो। मैं तुमको कुछ नया नहीं बता रहा हूं। अर्जुन, पराशर और अन्य सभी महर्षियों ने बहुत पहले ही आत्मा और शरीर की इन प्रकृतियों को पहचान लिया था और स्थापित कर लिया था। यही भगवान श्री कृष्ण सिखा रहे हैं। इस श्लोक के माध्यम से जो संदेश और पाठ समझना और मानना चाहिए वह यह है कि जब से हमारे इस शरीर में हमने प्रवेश किया है, हमें इस लक्ष्य को पूरा करना चाहिए कि हमने इस शरीर में प्रवेश क्यों किया। यही हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है। परमात्मा ने कहा कि हमारा शरीर लगातार बदल रहा है, शरीर अपना अंतिम परिवर्तन करें, इसके पहले हमें इस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहिए कि हमने शरीर में प्रवेश क्यों किया। हम सब इस बात को हमेशा याद रखें। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूं जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की सब प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण मैं वही करूंगा जो आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपनी प्रतिज्ञा दें कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। परमात्मा को यह शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं ये 8 व्रत कहूंगा जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। आज हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हैं। इसी प्रतिज्ञा को मन में रख भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्न भरी मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देश अनुसार हमेशा आपका ध्यान करूंगा,
और आपके बारे में ही सोचूंगा। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, आपके सलाह अनुसार हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगा। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने कहा था अनुसरण करें, मुझे बहुत विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ एक साथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कारम करूंगा और आपकी पूजा करूंगा। हमारा पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माम एकम शरणम व्रज 18:66 याद है, यथानुसार मैं खुद को आपके सामने अर्पित करता हूं। श्रीमन नारायण, मैं हमेशा आपकी शरण में जाता हूं। हमारा छठा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां शुचः 18:66 याद है, जिसमें आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूंगा। हमारा सातवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवद गीता प्रदान करके हम सभी को अनुग्रहित और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा आठवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुंचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुंचने की कोशिश करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को अपने 8 वचन दिए हैं। प्रत्येक दिन श्रीमन नारायण को अपना वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, मैं वैसा ही करूंगा जैसे आप कहेंगे, मैं वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा आप चाहते हैं, और मैं केवल आपके लिए ही काम करूंगा। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणम अस्तु। जय श्रीमन नारायण। नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टः अन्तस्त्वनयोः तत्वदर्शिभिः। ॐ नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोः तत्वदर्शिभिः। ॐ श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। सभी भक्तों से एक विशेष निवेदन, हमारे जीवन में सभी चीजों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायणास्त्रम पढ़ें। नारायणास्त्रम प्राप्त करने के लिए नारायणास्त्रम वेबसाइट पर जाएं, जो www.narayanastram.org है, और पंजीकरण में अपना नाम और ईमेल प्रदान करें। आपके द्वारा प्रदान किए गए ईमेल पर आपको एक नारायणास्त्रम PDF प्राप्त होगा। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नामम है। इन तीनों को मिलाकर नारायणास्त्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को इन श्लोकों का भिन्न संयोजन प्राप्त होता है।
जब हर कोई 24,000 भक्तों के साथ प्रतिदिन अपने नारायणास्त्रम को पढ़ता या सुनता है। संपूर्ण रामायण का एक दौर श्रीमद् भगवद गीता पारायण के 33 दौर, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पारायण के 24 दौर प्रतिदिन पूरा होता है। यह एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर एक दिन ऐसा करने से निकलता है। इसलिए आप और आपके परिवार के सदस्य तुरंत जाकर अपना नारायणास्त्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।